क्या बच्चा पैदा करने के लिए भेजो फैक्ट्री चलाई जा सकती है? क्या हो अगर आपको कोई ऐसी नौकरी मिले जहां बर्गर खाने के लिए बतौर सैलरी महीने के 94,000 रुपए दिए जाएंगे? भारत का ऐसा पड़ोसी देश जहां बच्चा पैदा करने पर मिलता है 11 लाख रुपए। जानेंगे ऐसे बेहतरीन और इंटरेस्टिंग फैक्ट हम आज के इस वीडियो में, हमारे साथ आखिरी तक बने रहिएगा। इन दोनों सोशल मीडिया पर इंडोनेशिया के करेंजर वाटर पार्क की एक दुर्घटना का वीडियो वायरल हो रही है। इस घटना में आप देख सकते हैं कि एक वाटर पार्क की वाटर स्लाइड बीच में टूट गई। 30 फीट की ऊंचाई से टूटी ये स्लाइड लोगों के लिए जीने मरने का प्रश्न बन गई। उस दौरान इस वाटर स्लाइड में 30 लोग सवार थे। बड़ी संख्या में लोग घायल हुए और उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। इस घटना के बारे में जानकारी मिली कि यहां पर वाटर पार्क मैनेजमेंट ने पुरानी हो चुकी फोटो स्लाइड को इग्नोर किया और उसे समय पर रिपेयर नहीं किया, जिसका नतीजा कुछ इस तरह से भुगतना पड़ा। यह घटना चाइना के दक्षिण पश्चिमी में मौजूद सिचुआन प्रांत की घटी है, जहां एक रेस्टोरेंट में एक व्यक्ति ने बुलडॉग फ्रॉग चिली ऑर्डर किया, लेकिन प्लेट में सजाकर जब उसका ऑर्डर सर्व किया गया तो उसकी प्लेट में बुलडॉग फ्रॉग बाहर निकल गया। वो जिंदा था और बकायदा हरकतें कर रहा था। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हुई। इस घटना के सामने आने के बाद कुछ लोग इस मेंढक को जॉम्बी मेंढक बता रहे हैं और कुछ लोग एक बार फिर चाइना को निशाने पर लेकर यह कह रहे हैं कि यह पूरी दुनिया में कोरोना वायरस बांटने के बावजूद चाइना कुत्ते बिल्ली मेंढक जैसे जीव जंतुओं को खा रहा है। इस घटना के बारे में जानने के बाद यह बात जरूर महसूस होगी कि दुनिया में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं बची है। हम आपको लिए चलते हैं अफ्रीका के एक देश नाइजीरिया में, जहां पर बेबी फार्मिंग के नाम पर एक ऐसा धंधा फल फूल रहा है जहां बाकायदा महिलाओं को बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस काम को एक फैक्ट्री की तरह चलाया जा रहा है। यहां पर 14 साल की लड़कियों को भी जबरदस्ती मां बनाने के लिए मजबूर किया जाता है। यहां महिलाओं को उनकी मर्जी के खिलाफ लाया जाता है और उन्हें मां बनाया जाता है, जिससे जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें उन लोगों को बेच दिया जाता है। उनके पास बच्चे नहीं होते जो निसंतान होते हैं। यहाँ पर गरीबी के चलते मजबूरी में भी महिलाएं आती हैं, जबकि कुछ महिलाओं को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए यहाँ पर लाकर मां बनाने के लिए मजबूर किया जाता है। अगर आप जॉब पर जाएं और वहां जाकर सो जाएं, तो यकीन मानिए आपको वहां नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कम से कम बॉस की डांट तो जरूर खानी पड़ेगी। लेकिन बेंगलोर में वैकफिट नाम की एक कंपनी ने अपने कर्मचारी के लिए न ही बस सोने के टाइम को डिसाइड किया है, बल्कि उनके लिए बकायदा बिस्तर भी प्रोवाइड किए गए हैं। इस कंपनी ने अपने कर्मचारियों को ऑफिशियली मेल और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर मैसेज करके इन्फॉर्म किया है कि हर कर्मचारी को अब हर वर्किंग डे में आधे घंटे सोने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। क्या आप यकीन करेंगे कि मिसिसिपी में एक मुर्गे की वजह से एक पुलिस कर्मचारी को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा? दरअसल यहां पर एक मुर्गा चोरी हो गया था और 4 दिन बाद वह मरा हुआ पाया गया। सीसीटीवी फुटेज चेक की गई तो यह बात सामने आई कि एक महिला और पुरुष का एक ग्रुप उस मुर्गे को चुरा कर ले गया। सीसीटीवी फुटेज में नजर आने वाली महिला जुवेनाइल सेंटर की करेक्शन ऑफिसर कैंड्रा शेफर है। इसके बाद उस महिला को न केवल गिरफ्तार कर लिया गया बल्कि उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया। कमाल है, एक मुर्गे को चुराने के चक्कर में इस बेचारी की जिंदगी बर्बाद हो गई। भाई, इस घटना के बारे में जानकर तो हम भी हैरान हो गए और डेफिनेटली आप भी शॉक्ड रह जाएंगे। दरअसल यह घटना बिहार के रोहतास जिले की है, जहां एक नहर पर बना पुल अचानक गायब हो गया और वह भी दिन दहाड़े सबके सामने। दरअसल कुछ लोग सिंचाई विभाग के अधिकारी के तौर पर वहां आए और वो 20 टन वजनी और 60 फुट लंबे ब्रिज को उखाड़ कर बाकायदा गाड़ी में लाद कर ले गए। यह पुल एक नहर पर बना हुआ था। इन अधिकारियों के जाने के बाद लोगों को यह समझ में आई कि यह पुल को उखाड़ ले जाने वाले कोई अधिकारी नहीं थे, बल्कि वह तो एक चोर थे जो पूरा का पूरा पुल और लोगों की आंखों के सामने ही चुरा कर ले गए। इस घटना के बाद तो बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन में हड़कंप मच गया और वाकई में इस तरह के पुल की चोरी ने हमें भी चौंका दिया। भले ही चीन की आबादी नंबर 1 हो, लेकिन अब वहां पर बुजुर्गों की आबादी बढ़ती देखकर चिंता बढ़ती जा रही है। ऐसी सिचुएशन में चीन की एक कंपनी ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है जिसके अकॉर्डिंग जो कपल अपने तीसरे बच्चे को जन्म देने जा रहा है उन्हें 11.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, अगर महिला एक वर्किंग वुमेन है तो माँ को 1 साल की छुट्टी भी दी जाएगी और पुरुष को बच्चा संभालने के लिए 9 महीने की लीव दी जाएगी। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले वियतनाम में एक ग्लास ब्रिज के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। कांच के बनाए गए इस ब्रिज में पूरा का पूरा फ्लोर भी ग्लास से ही बनाया गया है, जिसकी वजह से आप नीचे के सीन भी बड़े आराम से देख सकते हैं। वियतनाम के एक जंगल के ऊपर बने इस ब्रिज को बीच लॉन्ग पेडिस्ट्रिलियन ब्रिज कहा गया है। इसके नाम का अंग्रेजी में मतलब है द ड्रैगन ब्रिज।
इस ब्रिज की ऊंचाई 492 फीट है जबकि इसकी लंबाई 2073 फीट है। इस ग्लास ब्रिज को बनाने वाले यह दावा कर रहे हैं कि यह इस समय दुनिया का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज है। हालांकि उनके इस दावे की पुष्टि अभी तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से नहीं हुई है। हालांकि इसे बनाने वाले यह दावा करते हैं कि इस ब्रिज का फ्लोर खास तरह के टेम्पर्ड ग्लास से तैयार किया गया है जिससे एक साथ 450 किलो का वजन सहन करने के लिए तैयार किया गया है। समाज में महिलाओं के प्रति पुरुषों की मानसिकता इतनी खराब है कि इनकी वजह से एक महिला को 36 साल तक इस बात को छुपा कर रखना पड़ा कि वो एक महिला है। दरअसल ये कहानी है तमिलनाडु के पेटी अमल की। दरअसल लड़की की शादी के बाद 20 साल की उम्र में उन्हें एक बच्ची हुई और अचानक ही उनके पति की मौत हो गई। अगर उनकी कहानी को उनके शब्दों में कहें तो घर परिवार चलाने के लिए उन्हें काम धंधे के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता था। वो जहां भी जाती वहां पुरुषों का ही वर्चस्व हुआ करता था। जो भी उन्हें देखता महिला होने की वजह से उसका फायदा उठाता। महीनों तक यौन शोषण अपमान और मुसीबतें झेलने के बाद वह एक दिन तिरुचेंदूर मुर्गन स्वामी के मंदिर गई और वहां उन्होंने अपनी महिला का वेश छोड़कर पुरुष का वेश करने का फैसला लिया। साथ ही दोबारा कभी शादी न करने का फैसला किया। इसके बाद वह साड़ी छोड़कर शर्ट और लुंगी पहनकर नए नाम मुथु के नाम से सामने आए और एक महिला के वेश में रहते हुए उन्होंने 36 साल गुजार दिए। खाने पीने के शौकीनों के लिए यह खबर वाकई में एक्साइटिंग हो सकती है। ब्रिटेन में एक ऐसी जॉब निकली है जहां नौकरी पर रखे गए शख्स को चुने गए 20 रेस्टोरेंट्स के खाने पीने के आइटम टेस्ट करने हैं और उस पर अपने एक्सपीरियंस लिखना है। दरअसल सैंडविच बर्गर जैसे फास्ट फूड उस व्यक्ति को टेस्ट करने के लिए दिए जाएंगे। टेस्ट करने के बाद उसे अपना एक्सपीरियंस लिखना है, जैसे खाने का टेस्ट कैसा था। कितना ही नहीं खाने के एक दो घंटे बाद का एक्सपीरियंस भी उसे नोट करना है। आपको बता दें कि वर्ल्ड क्लास और फेमस ब्रांड के फूड आइटम्स उसे टेस्ट करने के लिए दिए जाएंगे, जैसे कि सबवे, मैकडॉनल्ड्स और ग्रैग्स दूसरी कंपनियों के फूड प्रोडक्ट। इस फूड टेस्टिंग की जॉब के लिए महीने के आखिरी में उसे 94,000 बतौर सैलरी दिए जाएंगे। दोस्तों आपको मिलवाते हैं आलिया इस्माइल नाम की एक अमेरिकी महिला से। इसे आप क्या कहेंगे, यह जब 18 साल की थी तब उन्होंने सोचा कि एक पुरुष बना जाए। तब केवल 20 साल की उम्र में उन्होंने बहुत सारी मेडिकल सर्जरी करवाई और यह एक पुरुष की तरह बन गई। 27 साल की उम्र के बाद इन्हें यह महसूस हुआ कि अब वह पुरुष बनकर बोर हो चुकी हैं, इसलिए वह दोबारा महिला बनना चाहती हैं। अब आपका इस महिला के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। क्या पैसों के दम पर अपने लिए कोई रिश्ते नाते खरीद सकता है? शायद आपका जवाब होगा नहीं, लेकिन आपको बता दें कि ब्रिटेन की रहने वाली 23 की जेन पार्क अपने लिए एक रिलायबल और लवेबल बॉयफ्रेंड की खोज कर रही हैं। लेकिन इसके पहले जब जेन 17 साल की थी तब इन्होंने लॉटरी जीती थी और वह करोड़पति बन गई। लेकिन उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड की तलाश करने के लिए एक वेबसाइट बनाई और उसी वेबसाइट पर यह मैसेज किया कि जो भी लड़का बॉयफ्रेंड बनेगा और उनसे प्यार करेगा वह उसे एक साल में 60,00,000 रुपए देंगी। हजारों वॉलंटियर उनके बॉयफ्रेंड बनने पहुंचे, लेकिन इनमें से उसने किसे सेलेक्ट किया यह अभी तक मालूम नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आपने आखिरी तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।